चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभी दस्तावेज जमा कराए थे, जिसका अब तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आने पर नाराज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जल्द सुनवाई न होने पर मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व अनशन पर बैठे हुए थे, जिसमें अधिकारियों के द्वारा मध्यस्थता के बाद अनशन को समाप्त कर अपने दस्तावेज जमा किए जाने के बाद अभी तक उस प्रक्रिया में किसी तरह का रुझान न आने से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुँच नारेबाजी की और अपनी मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाई। कर्मचारियों के हित में अपनी बातें बताते हुए जल्द कोई कार्रवाई न होने की शक्ल में सभी पूर्व कर्मचारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के सामने धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ितों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये मांग के लिए आए थे कि चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज अस्पताल के कर्मचारियों का लगातार 5 मई निशान आंदोलन चल रहा है, वो अमरन अनशन में बैठे थे साथी लोग। अमरन अनशन को इस बात को लेकर उठाया गया कि स्वास्थ्य सचिव, जो मुख्य स्वास्थ्य सचिव है, वो आप लोगों को बायोडाटा मंगाया है और जो नौकरी के लिए वो प्रोसेस में जाएगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने अमरन अनशन को उठाया। अभी आके 5 दिन बाद हम पता कर रहे हैं कि ये कागज कहाँ तक पहुँचा, तो वो कागज कहीं पहुँचा नहीं है, अभी डाक में भी नहीं आया है। ये बहुत ही गंभीर बात है। मुकेश रावटे साहब और नुपुर पन्ना राशि एडीएम, हमारा ये कहना है कि प्रशासन के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से भी और छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी जो हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग बहुत संकट की स्थिति में गुजर रहे हैं। 12 करोड़ रुपया हमारा वेतन का बकाया है। हम LC अभी आए थे लेबर कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पर भी लेबर कमिश्नर बोल रहा है मैं 1 साल का ही देख पाऊंगा, बाकी आपका देख नहीं सकता। तो 12 करोड़ हमारा वेतन का बकाया है, वो भी नहीं मिल रहा है, हम जिएंगे कैसे? तो इस स्तर पे हम लोग चाह रहे हैं कि अब हमारा अगला जो पड़ाव होगा, आने वाले कुछ दिन के अंदर अगला पड़ाव होगा, वो ये होगा कि अब मुख्यमंत्री घर के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, जरूरत पड़ने पर वहीं हम अनशन बैठेंगे। हमारी परिस्थिति यहाँ पर आ पड़ी। हम लोग तो सबसे पहले लेबर कोर्ट में आए थे, वहाँ पे हम लोग बकाया वेतन के लिए आवेदन लगाए थे। वहाँ कहा गया कि पिछले 8 सालों का नहीं मिलेगा, 1 साल का आवेदन आप लोग लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ADM मैडम के पास अभी जा रहे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं आगे प्रोसेस के लिए, वो पूछताछ करनी है कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के जितने भी मतलब वर्कर हैं उनका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है और आगे का प्रोसेस क्या है पूछने के लिए, अभी जानकारी के लिए ही आए हैं वहाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।